क्वीन एलिजाबेथ अपनी जिंदगी में ये चीजें कभी नहीं कर सकती थी। नंबर वन, क्वीन एलिजाबेथ अपने फोन पर से सिर्फ दो ही लोगों से बातें कर सकती थी जिसमें उनके एक भी बेटे शामिल नहीं थे। क्वीन अपनी बेटी प्रिंसेस एनी और उनके रेसिंग मैनेजर जॉन वॉरन से ही फोन पर बातें करती थी। नंबर टू, क्वीन एलिजाबेथ के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती या वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करती तो उसमें आने वाले गेस्ट की संख्या या तो 13 से ज्यादा होती या 13 से कम। एग्जैक्टली 13 गेस्ट को कभी इन्वाइट नहीं किया जाता। कहा जाता है कि 13 नंबर क्वीन और रॉयल फैमिली के लिए अनलकी माने जाते थे। नंबर थ्री, वैसे क्वीन एलिजाबेथ किसी सेलिब्रिटी से तो कम नहीं थी लेकिन क्वीन किसी को भी अपना ऑटोग्राफ नहीं दे सकती थी। ऐसा करने के पीछे के कारण क्वीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी था ताकि कोई भी क्वीन के सिग्नेचर का गलत उपयोग ना कर सके। ऐसे ही वो पब्लिकली किसी के साथ भी सेल्फी नहीं खिंचवा सकती थी। एक मरतबा एक लड़के ने भीड़ में घुसकर क्वीन के साथ सेल्फी खिंचवाने की कोशिश की तो क्वीन ने उसे गुस्से से दूर करने के लिए कहा। नंबर फोर, क्वीन एलिजाबेथ अपने पैलेस की विंडो तक खुद से ओपन नहीं कर सकती थी। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ बकिंगम पैलेस की विंडोज को खुद से ओपन नहीं कर सकती थी। क्वीन के पैलेस की विंडोज हमेशा बंद रहती थी। क्वीन के नजदीक ये उनकी सिक्योरिटी का सवाल था। नंबर फाइव, क्वीन कभी भी वोट नहीं दे सकती थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल रहना होता था। वो ना तो किसी का विरोध कर सकती थी और ना ही किसी का पक्ष ले सकती थी। नंबर सिक्स, क्वीन एलिजाबेथ कभी भी अपने हस्बैंड प्रिंस फिलिप के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती थी। वो घर के अंदर कैसे भी रहे लेकिन पब्लिकली और मीडिया के सामने उन्हें उनके हस्बैंड से दो कदम की दूरी बनाई रखनी पड़ती थी क्योंकि एलिजाबेथ पूरे ब्रिटेन की सबसे ताकतवर क्वीन थी जिसकी वजह से उनके हस्बैंड फिलिप को उनसे दो कदम पीछे ही चलना पड़ता था और पब्लिकली इस बात का पूरा ख्याल भी रखते थे। इसलिए कई पिक्चर्स में आप देखेंगे कि हमेशा क्वीन एलिजाबेथ अपने हस्बैंड से दो कदम की दूरी पर ही दिखाई देंगी। क्वीन एलिजाबेथ कभी भी अपनी गद्दी के दूसरे वारिस के साथ सफर नहीं कर सकती थी क्योंकि रॉयल फैमिली में ये एक प्रोटोकॉल था। नंबर सेवन, क्वीन एलिजाबेथ किसी भी पार्टी में आम लोगों की तरह गपशप नहीं कर सकती थी। अगर उन्हें राइट साइड वाले शख्स से बात करनी होती तो उन्हें पहले लेफ्ट साइड वाले शख्स से बात करनी पड़ती थी, उसके बाद ही वो राइट साइड वाले शख्स से बात कर सकती थी। नंबर एट, क्वीन एलिजाबेथ कभी भी स्कूल नहीं गई क्योंकि उन्हें आम बच्चों की तरह स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि सारे विषय के एक्सपर्ट्स उन्हें घर पर ही पढ़ाने आते थे जिसमें उनका मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और बिहेवियर से जुड़ा था। नंबर नाइन, क्वीन को ट्रैवलिंग के दौरान ब्लैक ड्रेस को अपने साथ रखना जरूरी था ताकि अगर कभी किसी की फ्यूनरल में जाना पड़े तो उनके पास ब्लैक ड्रेस मौजूद हो। नंबर टेन, क्वीन एलिजाबेथ टू को ट्रैवलिंग के दौरान अपने साथ उनके ग्रुप का ब्लड बैग रखना कंपलसरी था ताकि इमरजेंसी के वक्त उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ब्रिटेन समेत 15 देशों पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही और 8 सितंबर को उनका निधन हो चुका है। क्वीन एलिजाबेथ के प्रोटोकॉल में पूरे ब्रिटेन में 10 दिन का शोक घोषित कर दिया गया था। क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के तुरंत बाद ही 15 देशों को फोन मिलाया गया था। आखिर क्यों, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।